हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनअकैडमिक्स वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जो मैंने आपको कुछ समय पहले बोला था। और वो जो टॉपिक है दोस्तों, हम बात करें आपका चाइना और मालदीव्स के बारे में हमें डिस्कशन करना था। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सो सॉरी फॉर डिले दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा था मेरे साइड से, अभी ये रिजॉल्व हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जो भी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं आपको अनअकैडमी में जो SSC कैटेगरी है वहां पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो जो GS के सब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन गाइस, हेलो मितुल, सौरव, हेरोड, लेप्सी, एवरीवन दोस्तों, जो भी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं मुझे। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो ये मेरा कोड है NG10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी स्पेशल क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, किसी भी कैटेगरी में आप जो है वो सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो और आपको इंस्टेंट 10% ऑफ हो अवेलेबल हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सौरव, अराउंड एवरीवन गाइस, हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको याद रखना है कि हर संडे को 12 PM पे अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है। और इसमें दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 40 क्वेश्चन आते हैं और 50 मिनट का आपके पास टाइम होता है। और इस टेस्ट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं SSC कॉम्बैट। और ये जो टेस्ट होगा गाइस, ये बिल्कुल फ्री होता है और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर होता है। तो अगर अभी तक आपने ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो गाइस गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए और खुद को एनरोल करिएगा दोस्तों। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर यूज कर लीजिएगा इनवाइट कोड ANG10। और गाइस, अगर आप इन टेस्ट में टॉप 3 रैंक लाते हो तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 4 to 10 लाओगे दोस्तों तो 75% की स्कॉलरशिप मिलेगी। 11 to 50 में दोस्तों आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी। और 51 से 500 में दोस्तों बात करेंगे तो 25% की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी। और गाइस, 22 अगस्त आ रहा है, ये एक मेगा कॉम्बैट है। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आप पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करते हो और आप 1000 लकी विनर्स में से होते हो तो गाइस आपको iPad मिनी, एप्पल एयरपॉड, JBL स्पीकर और Amazon के वाउचर्स भी मिल सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग बात करें, आप लोग दोस्तों अनअकैडमी SSC कैटेगरी में मुझे सर्च कर सकते हो अनुराग08, ये मेरा यूजर नेम है इसके थ्रू। और गाइस, यहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस होती है और आप यहाँ पर जाकर के दोस्तों एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड ANG10। इनफैक्ट आप किसी भी क्लास में एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड ANG10। और गाइस, याद रखना है, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हाँ जी, अब गाइस, अगर मैं यहाँ पे आप लोग के साथ बात करने की कोशिश करूँ प्लस के बारे में, तो 30+ बैच एवरी वीक होती हैं, 300+ क्लासेस एवरी डे हो रही हैं दोस्तों। 70+ टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको मिलेंगे, जो आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि वो सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे, जिनको भी आप जानते हो, जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट है यहाँ पे, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और 90% से ज्यादा दोस्तों जो स्टूडेंट है उनका ट्रस्टेड है। अब रिकॉर्डेड से इसका मतलब दोस्तों मैं बात करूँ ये क्या है, तो जो भी पुरानी क्लासेस है वो भी आपके पास अवेलेबल होगी और जितनी अपकमिंग है और जो प्रेजेंट क्लासेस है वो भी आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जो प्लस में हमारे बैच का टाइमिंग होता है ये होता है 12:30 और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। गाइस, आप देख सकते हो जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, जिनको भी आप जानते हो, सभी के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, हर वीक होते हैं। और अभी दोस्तों हम लोग बात कर 18 अगस्त से लॉन्च हुआ है। हर 4th सेशन आपका दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। हर लेक्चर का दोस्तों मैं बात करूँ तो आप PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब कुछ दोस्तों आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है गाइस। तो CGL, CHSL, CT सारे बैचेस अवेलेबल है। और गाइस, अगर आप अनअकैडमी प्लस में हो और आपको कभी भी कोई डाउट आ जाए तो आप अपने क्वेश्चन को अपलोड करो यहाँ पे, और अनअकैडमी की जो टीम है दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर देगी। और गाइस, इस समय 1 ईयर की फीस 6500, 2 ईयर की दोस्तों हम बात करें तो 7800, ये पे मत करो, यूज करो कोड ANG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और 1 ईयर की फी हो जाएगी दोस्तों 5850 और 2 ईयर की दोस्तों हम बात करें तो 7020। और गाइस, 1 ईयर के साथ में आपको अनअकैडमी इस समय 3 मंथ एक्स्ट्रा दे रहा है और 2 ईयर के साथ में हम बात करें तो 6 मंथ। और जैसा कि मैंने बताया, 1 ईयर की फी है 5850 और 2 ईयर की दोस्तों 7020। और अगर आप बैंक प्लस SSC दोनों ही प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस, तो 1 ईयर के साथ में आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा वेल होगा CT में, और 2 ईयर के साथ में दोस्तों 12 मंथ। और 1 ईयर की फी यहाँ पे 7999 और 2 ईयर की दोस्तों हम बात करेंगे तो 9999। चलिए दोस्तों, सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बिल्कुल, तो गाइस हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको वो फैक्ट्स बताऊंगा दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ पर मैं कोर ज्योग्राफी में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर बेसिकली मैं बात करूँ एम्बलम वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैंने आपको बहुत सारे पहले ही बता दिए हैं, हमारा यहाँ पे चाइना और मालदीव्स बचा था तो उसको हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा
इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर देखते हैं किसका, इंडिया और चाइना का। तो दोस्तों ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट का है, ये मैंने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, ये आपको जो पूरा ये वाला जो पिंक कलर से दिख रहा है ना, ये हमारा चाइना के साथ में बॉर्डर है, मतलब यहाँ पर पहले लद्दाख के साथ में देखने को मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो, ये देखो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले लद्दाख के साथ में बॉर्डर मिलेगा चाइना का, उसके बाद दोस्तों लोग बात करें हिमाचल, उसके बाद आप देखो उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सिक्किम के साथ में, और यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूंगा तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में, ठीक है। एक्चुअली पहले हमारा ओरिजिनल बॉर्डर हुआ नहीं करता था, लेकिन क्योंकि तिब्बत को चाइना ने कब्जे में कर लिया तो हमारा बॉर्डर जो है दोस्तों वो चाइना के साथ बनने लगा। और अगर मैं टोटल लेंथ के बारे में दोस्तों बात करूं चाइना के साथ हमारा बॉर्डर कितना है, तो आप देख सकते हो 3,488 किलोमीटर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो ये बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका ऑफिशियल नाम है, ये बात आपको याद रखना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और दोस्तों ये कभी बना है, या फिर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से जो आजाद हुए हैं वो कब हुए हैं, दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो 1 अक्टूबर 1949 को। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे चाइना के बारे में, तो एक स्टार आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये कम्युनिस्ट पार्टी को शो करता है। और आप सभी लोग जानते हो कि दोस्तों चाइना में कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना है दोस्तों उसकी सरकार है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को शो करता है। और दोस्तों जो बचे हुए 4 स्टार आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ के लोगों की दोस्तों यूनिटी को शो करता है, ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान से रखना है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, तो पहले हम लोग एक ट्रिक याद करते थे, ट्रिक हुआ करती थी दोस्तों सूजा हुआ चीन, ट्रिक क्या हुआ करती थी, सूजा हुआ चीन। इससे क्या याद हो जाता था दोस्तों कि चाइना के साथ में हमारे कौन कौन से स्टेट बॉर्डर बना रहे हैं। तो दोस्तों एस से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो एस से आपका हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये छोटा सा बॉर्डर आपका सिक्किम के साथ में। यू से दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड, यहाँ पर गाइस आप ये देखिएगा जरा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये उत्तराखंड के साथ में। जे से दोस्तों पहले ही जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर नहीं बनता, इसकी जगह पे दोस्तों आप लोग को यहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ पे आपको लिख देना लद्दाख, ठीक है। और एच से दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका सूजा है बेसिकली, मतलब ये ए होगा, है ना, सूजा हुआ। ए से दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और जो एच है दोस्तों, एच फॉर हॉर्स, और एच फॉर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो ये हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर है, और ये आप देखो दोस्तों ये किसके साथ में बॉर्डर है, ये पूरा लद्दाख के साथ में बॉर्डर है। और ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये तिब्बत का किसके साथ में बॉर्डर, तिब्बत जिसको आप चाइना हम लोग बोल रहे हैं कि कैप्चर कर लिया गया, ये पूरा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर है। और ये जो लाइन है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, ये बात भी आप लोग याद रखना दोस्तों, सर हेनरी मैकमोहन ने दोस्तों लाइन खींची थी, तो इसको मैकमोहन लाइन भी हम लोग बोलते हैं, ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखना, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, यहाँ पर देखने की कोशिश करो दोस्तों बहुत ध्यान से, तो आप लोग मेरी यहाँ पे बात सुनो, वो बात क्या है, इसको आप लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखिएगा भाई, ये जो आपका चाइना है ना, वो मैकमोहन लाइन को क्यों नहीं मानता, क्योंकि दोस्तों जब मैकमोहन लाइन बनाई गई थी ना, तो उस समय तिब्बत को इसने कब्जा नहीं किया था, तो उसने मैकमोहन लाइन बन गई थी। तो अब चाइना क्या बोल देता है कि भाई जब ये मैकमोहन लाइन बनी थी तब हमसे नहीं पूछा गया था, तो ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब गाइस ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्साई चीन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अक्साई चीन, ये बात भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा जो अक्साई चीन और के अक्साई चीन और जो हमारा जो मेन एरिया है, ये वाला जो बॉर्डर है दोस्तों, ये यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पर दोस्तों पेंगोंगसो लेक है, और याद रखना पेंगोंगसो लेक दोस्तों 2/3 कहां पर है, चाइना में, ये बात भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। वेलकम बेटा, है ना। तो चले दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बेसिक वाली चीजों पे जो आपके एग्जाम में यहाँ पर आएगा, आइए। हाँ, तो दोस्तों याद रखना जो लद्दाख का जो अक्साई चीन है उसको हम लोग LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे
नेशनल एनिमल दोस्तों चाइना का क्या है? जायंट पैंडा, यस और नो? और आप लोग जानते हो दोस्तों जो शी जिनपिंग के वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है, वो सब तो आपको पता है। नेशनल बर्ड दोस्तों यहाँ पे क्या है? रेड क्राउंड क्रेन। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ना दोस्तों, ये यहाँ पे पूरा रेड जैसा एक क्राउन जैसा बना है, एक ताज जैसा यहाँ पे बना रहता है। तो ये दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो ये इनकी नेशनल बर्ड है। नेशनल फ्लावर दोस्तों यहाँ पे क्या है? द पियोनी। ये जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो द पियोनी, ये दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें दोस्तों, ये आपका नेशनल फ्लावर है। क्या हम कभी ऑक्यूपाइड चाइना को वापस ले पाएंगे? भाई उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, इंडिया को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इकोनॉमिकली, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो दुनिया के सारे देश आपका साथ देंगे, तब आप ऐसा कर सकते हो, है ना। और अभी मैंने दोस्तों यहाँ पे सियाचिन के बारे में बात की, क्योंकि वो सब मैं ज्योग्राफी में करता हूँ, पाकिस्तान के बारे में, तो फिलहाल मैं चाइना के बारे में फोकस करूंगा। चाइना का दोस्तों नेशनल ट्री क्या है? अभी मैं इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं जिंगको। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिंगको हम लोग बोलते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर दोस्तों हम लोग बात करें चाइना की, यांगजी है, और ये दोस्तों एशिया की भी लॉन्गेस्ट रिवर है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रखना, ये लॉन्गेस्ट रिवर है दोस्तों कहाँ की? एशिया की, ये बात भी आपको याद रखना है। देन दोस्तों सोरो ऑफ चाइना, चाइना का शोक हम लोग किसको बोलते हैं? ह्वांगहो नदी को। इसको येलो रिवर भी बोलते हो, ये बात भी आप लोग याद रखो। दोस्तों सबसे ज्यादा हम लोग बात करें कौन से देश की पार्लियामेंट में, यानी कि कौन से देश की संसद में मेंबर हैं, दोस्तों ये चाइना ही है। और यहाँ की संसद का नाम क्या? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और इसमें जो मेंबर है दोस्तों कितने? 2980, 2980, है ना? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों ये बात आप लोग को समझ में आ रही नहीं है यार, एक बात बताओ, इन सेशंस को यार थोड़ा सा शेयर करिए अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे क्लासेस हो, नहीं तो फिर मैं एमसीक्यू ही कराया करूंगा, है ना। ठीक, यहाँ पर दोस्तों जो लैंग्वेज चलती है उसको हम लोग बोलते हैं मैंडरिन। और अगर गाइस से बात करूंगा, यहाँ पर एक बात और याद रखना, जो लैंग्वेज चलती है मैंडरिन, जिसको लोग चाइनीज भी बोलते हैं। और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनाल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैनाल, विश्व की सबसे लंबी जो दोस्तों हम लोग बात करें जो नहर है वो यहीं पर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड कैनाल बोलते हैं। और ये बीजिंग को हांगझाउ से कनेक्ट करती है, और इसकी लेंथ देखो आप 176 किलोमीटर, दोस्तों बात करें 1776, यानी कि 1776 किलोमीटर है। और दोस्तों इसको हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं बताओ? आर्टिफिशियल रिवर भी बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आर्टिफिशियल रिवर भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी जो दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, उसकी लेंथ कितनी देखो? 1465। और इसकी दोस्तों एक कैनल है, और इसकी लेंथ आप देख सकते हो 1776 किलोमीटर, दोस्तों इसकी आपको लेंथ देखने को मिलेगी, है ना, बिल्कुल। ओके बेटा, चलिए, तो ये बातें भी आप लोग को यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करें तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि नेशनल एनिमल ऑफ चाइना, दोस्तों हम लोगों का आंसर क्या होना चाहिए बताइए जरा। अभी मैंने आपको पढ़ाया नेशनल एनिमल ऑफ चाइना यहाँ पे क्या होगा। नेशनल एनिमल ऑफ चाइना दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैन पंडा, यस और नो? अगर दोस्तों मैं बात करेंगे नेशनल बर्ड आपको क्या देखने को मिलेगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया था रेड क्राउंड क्रेन, रेड क्राउंड क्रेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा द पियोनी, अभी मैंने आप लोग को ये शो किया था। अगला बात करते हैं नेशनल ट्री ऑफ चाइना, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था गिंको। ये देखो आप लोग यहाँ पे देखो जरा, ये सब मैंने आपको करा रखा है, जैन पंडा, रेड क्राउन क्रेन, द पियोनी, गिंको, यस और नो? इंपॉर्टेंट है यार, तभी ये सब चीजें करा रहा हूँ। लॉन्गेस्ट रिवर दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये ना सिर्फ चाइना की बल्कि एशिया की भी सबसे लंबी नदी दोस्तों, इसका नाम क्या है? यांगजी। अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और दोस्तों याद रखना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? युआन भी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको कहाँ पर मिलेगी बताओ जरा? ये हम लोग बात करें दोस्तों जापान की मिलेगी, खैर वो सब हम लोग कभी बाद में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप लोग रेन में भी जरूर याद रखो। ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर 1949 को दोस्तों ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ये बात भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों इनका नेशनल फ्रूट क्या है, इनका नेशनल फ्रूट क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ मैंगो होता है दोस्तों, इनका नेशनल फ्रूट क्या है? दोस्तों इनका नेशनल फ्रूट है फूजी, कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट आप लोग जानते ही हो, पर यहाँ पे जो रहेगा दोस्तों वो का होगा आपका फूजी कीवी फ्रूट, यहाँ पर
चाइना की पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे यहाँ की पार्लियामेंट में कितने मेंबर है, आप एसएससी का पेपर उठा करके देख लो, क्वेश्चन आ चुका है 2980 दोस्तों यहाँ पर आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स दोस्तों हम लोग बात करेंगे चाइना का क्या है, टेबल टेनिस और आर्चरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्चरी किसका है तो ये आप लोग याद रखो दोस्तों, भूटान का नेशनल गेम है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई, चाइना हम लोग बात करें जो गृह युद्ध हुआ था ना, जो वहां पे सिविल वॉर हुआ था, तो उसके बाद जो हम लोग बात करें जो माओ है उसने दोस्तों जब वहां पे बात करेंगे जो अपना जो पार्टी है जिसका नाम क्या दोस्तों बताओ जरा, हम लोग बात करें जो कम्युनिस्ट पार्टी इसकी सरकार बनाने के बाद जब इन्होंने दोस्तों हम लोग बात करेंगे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया तो उसी को उन्होंने बोल दिया कि ये हमारा इंडिपेंडेंट अब हम लोग हो चुके हैं, ये हमारा फॉर्मेशन है, यहाँ से हमारा देश आगे बढ़ चुका है। हाँ जी, अब दोस्तों मैंने सोचा था कि आपको सिर्फ मालदीव्स और ये पढ़ा दूंगा लेकिन मैंने एक श्रीलंका भी डाल दिया था, तो थोड़ा सा देख लो श्रीलंका के बारे में क्योंकि श्रीलंका के बारे में क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों कौन सा? कोलंबो। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे। श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे, या सुनो इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है अभिनंदन, है ना। बाई अगर मैं बात करूं बाई लॉ यानी कि डिजोर, पर बाई फैक्ट आप बोल सकते हो। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूं भाई, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों आपको पाक स्ट्रेट मिलेगी, पाक जल संधि मिलेगी और यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूं तो आप मेरी बातों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना, और बात क्या है ये देखो, ये आपको दोस्तों मैं बात करूंगा ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, यहां से दोस्तों लोग चाहते कि यहां से शिप जाए, पर शिप क्यों नहीं जा पाता क्योंकि दोस्तों यहां पे आपको राम सेतु देखने को मिलता है, मतलब उसके कुछ अवशेष आपको देखने को मिलते हैं अभी भी, और इसको तोड़ना चाहते हैं दोस्तों पर अलाउ नहीं किया जा रहा है। और अभी दोस्तों जो शिप जाते हैं वो इस रास्ते से जाते हैं, इस तरीके से ऐसे होते हुए दोस्तों शिप जाते हैं। और यहां पर दोस्तों मैं बात करूंगा तो एक पोर्ट है श्रीलंका का, इसका नाम है दोस्तों हम्बनटोटा। यहाँ पर एक पोर्ट है दोस्तों जिसका नाम है हम्बनटोटा और इसको दोस्तों किसने कैप्चर कर रखा है? चाइना ने एक तरीके से 99 इयर्स के लिए लीज पर लेकर के रखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने की कोशिश करें, ये देखो ये जो आप एडम्स ब्रिज देख रहे हो ना, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट 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 ये अब कोरल जैसे रह गए हैं दोस्तों। हम लोग अगर बात करें इसी को हम लोग राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। और अगर दोस्तों मैं बात करूंगा तो एक बात और आप लोग को यहाँ पे ध्यान से पढ़नी है, और वो बात क्या है तो देखिएगा जरा, ये पूरा आपका पंबन आइलैंड है, ये पूरा आपका पंबन आइलैंड है और यहाँ पर दोस्तों आपको रामेश्वरम देखने को मिल रहा होगा। और इंडिया का जो लास्ट पोर्शन है दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग धनुषकोटी, और धनुषकोटी के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो इंडिया यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आइलैंड आएंगे वो आपको क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों बताओ, वो आपको श्रीलंका के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर फेरी सर्विस भी चलती है जो धनुषकोटी को दोस्तों श्रीलंका के किससे जोड़ती है? तलाई मन्नार से जोड़ती है। और तलाई मन्नार दोस्तों एक प्लेस है कहाँ पे? मन्नार आइलैंड में, है ना। तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान से रखना है। बिल्कुल 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 नहीं टूटेगा यार, है ना, वहां पे कोरल्स आपको आज भी देखने को मिलते हैं, है ना। बिल्कुल, तो दोस्तों ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान से रखना है। आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है वॉलीबॉल। नेशनल बर्ड दोस्तों सीलोन जंगल फोल, ये दोस्तों एक तरीके से बात करूं जो हैन होता है ना, जो मुर्गा, उसके तरीके से आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा। यहाँ का नेशनल फ्लावर है दोस्तों ब्लू वाटर लिली। यहाँ का नेशनल ट्री है दोस्तों सिलोन आयरन वुड। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये एग्जाम में आती है, जिसका नाम है महावेली गंगा। यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों आपका कौन सा? बुद्धिज्म। आगे दोस्तों मैं बात करूंगा तो ये तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिदुरुल तालगल, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। यहाँ पर एक टेंपल मिलता है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी के टूथ रखे हुए हैं, उसको हम लोग टूथ टेंपल बोलते हैं, ये है आपका। और दोस्तों यहाँ पर एक रॉक मिलती है जिसको हम लोग बाइबल रॉक बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बुक के शेप की तरह दिखती है कि नहीं। तो दोस्तों इसको अंग्रेजों ने बाइबल रॉक नाम दिया था, तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रखना ना दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है ना। और हम लोग दोस्तों सब लोग जानते हैं कि इनका ओल्ड नेम सिलोन है, इसलिए आपको बार 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 हर जगह पे सिलोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो एडम्स ब्रिज है ना, ये बेसिकली आज के डेट में कोरल है ना। चलिए
आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। तो देखो भाई ये जो पत्ते दिख रहे हैं ये बौद्ध धर्म को दिखाते हैं, और श्रीलंका में दोस्तों बहुत सारे कौन लोग रहते हैं, तो हम लोग बात करते हैं सिंहली लोग रहते हैं। बहुत सारे दोस्तों कौन लोग रहते हैं, सिंहली लोग रहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये आपको दिख रहा है, आपको एक तरीके से टाइगर दिख रहा है आपको, है ना, एक तरीके का, है ना। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पे याद रख लेंगे। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा दिया, श्रीलंका में ऑलरेडी कॉल करा चुका हूँ। श्रीलंका का नेशनल गेम क्या है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल। और मैंने इनका पूरा डिटेल में, अगर आप स्टैटिक जीके कोर्स में जाओगे तो वहां पर मैं एक एक कंट्री का पार्लियामेंट से लेकर के करेंसी तक सब कुछ ऑलरेडी वहां पे कवर कराया। पूरे दो कोर्स है स्टैटिक जीके के, और अभी एक थर्ड भी आएगा मॉडर्न हिस्ट्री के बाद। ये आपका वॉलीबॉल दिन दोस्तों हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। जो नेशनल बर्ड है यहाँ पे उसका नाम क्या है, शिलॉन जंगल फॉल। ये आप देख सकते हो दोस्तों इसकी इमेज, थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। नेशनल फ्लावर दोस्तों अगर बात करूँ श्रीलंका का, तो जैसा कि आप देख सकते हो ब्लू वाटर लिली आपको देखने को मिलेगा। नेशनल ट्री ऑफ श्रीलंका के बारे में दोस्तों बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शिलॉन आयरन वुड आपको देखने को मिलेगा। आगे दोस्तों लोग बात करेंगे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका, ये हो जाएगी आपकी महावेली गंगा। और अब दोस्तों लोग यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं मालदीव्स। मालदीव्स तो दोस्तों इस्लामिक कंट्री है, दैट्स आपको यहाँ पर स्टार देखने को मिलेगा। और आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश कर लेते हैं मालदीव्स के बारे में। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते दिखेगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा है आपका लक्षद्वीप, ये पूरा का पूरा है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में ये कितना डिग्री चैनल है दोस्तों, ये है आपका, अगर हम यहाँ पे बात करूँ तो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। और दोस्तों लक्षद्वीप में यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये एक आइलैंड है जिसका नाम है मिनी कॉय। और इसमें दोस्तों यहाँ पर कितना डिग्री चैनल है, तो यहाँ पर आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं बात करूंगा, एक क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो करेक्ट आंसर होता है 8 डिग्री चैनल। और हम लोग बात करें दोस्तों जो मालदीव से इसकी कैपिटल क्या है, माले, करेंसी यहाँ की भी रुपी है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे श्रीलंका की भी रुपी है। और ये वाली जो लाइन जा रही है ना दोस्तों, ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर, और इक्वेटर आप देख सकते हो दोस्तों मालदीव के जमीन से पास नहीं होती है, जबकि ये पानी से होकर के गुजर जाती है ना। ये बात आप लोग को दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात समझ पा रहे हो या नहीं, यस और नो, ये बात भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना दोस्तों। आपको अगर बात करूं तो इक्वेटर जो है यहाँ से पानी से होकर के जा रहा है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है धीवी। यहाँ का नेशनल एनिमल है दोस्तों येलो फिन टूना, ठीक है। नेशनल बर्ड दोस्तों बात करेंगे तो व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेशनल फ्लावर दोस्तों पिंक रोज, और नेशनल ट्री आपका कोकोनट पाम, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों दो फेरी सर्विस भी इंडिया चला रहा है, वन फ्रॉम टूटीकोरिन एंड वन फ्रॉम कोची। दोस्तों टूटीकोरिन जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। और कोची से दोस्तों हम लोग बात करें केरला में, ये भी दोस्तों फेरी सर्विस मालदीव तक जाती है बिल्कुल। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं, मैं आपको ज्योग्राफी बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि लक्षद्वीप के बाकी के आइलैंड ऊपर है, ये पूरा लक्षद्वीप है, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप है। बस एक आइलैंड दोस्तों जो हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मिनी कॉय, वो 9 डिग्री चैनल के नीचे है। मतलब लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड को दोस्तों मिनी कॉय और जो दूसरे आइलैंड है उसके बीच में दोस्तों आपको क्या मिलता है, 9 डिग्री चैनल। या फिर मैं ये भी बोल देता हूँ दोस्तों कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसका नाम क्या है दोस्तों, कावारत्ती। तो कावारत्ती और मिनी कॉय के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, है ना बिल्कुल। और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में दोस्तों 8 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। कल से अपन एमसीक्यू ही करेंगे, है ना, उसी के फॉर्म में, क्योंकि मैंने सोचा था कि थ्योरी कराऊं, बट यार थ्योरी का कोई सीन नहीं है, है ना। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एमसीक्यू के ऊपर ही फोकस करें यहाँ पे। चलिए तो गाइस, ये था एक छोटा सा लेक्चर, और आप लोग को गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अपन अकेडमी के कोर्सेस अवेल कर सकते हो यूजिंग द कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ अवेलेबल हो जाएगा। और अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट हो, मतलब कॉन्टेंट रॉन्ग ऑन अकेडमी के किसी वीडियो में, तो आप दोस्तों इसको यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो, और उसका भी लिंक दोस्तों बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। यस और नो गाइस, और बिल्कुल। तो लक्षद्वीप वगैरह मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लक्षद्वीप वगैरह मैं ज्योग्राफी में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेशन को एंड करेंगे, और है ना, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे, बाकी ठीक है। और एक बात और मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि कल मैंने सोचा था कि मैं फेस्टिवल कराऊंगा, अभी मैं देखता हूँ कि फेस्टिवल को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कराना तो है मुझे, क्योंकि मैं सोच रहा था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करा देता हूँ, देखेंगे हम लोग। तो एवरीवन दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।